अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनलिमिटेड स्किल्स। द अनलिमिटेड स्किल्स में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको लिस्ट बनाना सिखाया था, आज हम आपको दिखाएंगे कि आउटरीच के लिए ईमेल कैसे करते हैं, आपने एडमिन को कैसे ईमेल करनी है, उसमें आपने क्या लिखना है, किन बातों का ख्याल रखना है। आपको बिना टाइम ज़ाया किए लेके चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कीमती लेक्चर्स आगे आने वाले हैं। तो ये हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने आपको एक ईमेल खोल के दिखाई। इस ईमेल के अंदर सरप्राइज फॉर यू बिजनेस इंक्वायरी, आपने ये जो सब्जेक्ट लिखना है, इस सब्जेक्ट का मकसद ये होता है कोई भी ईमेल जब आप किसी को सेंड करते हैं, उस ईमेल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ उसको जाती है, जो दिखाई देती है, वो उसका सब्जेक्ट होता है जो आपने लिखना होता है। तो सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि अगला बंदा देखे, देखते साथ वो सरप्राइज हो जाए कि क्या चीज़ है मेरे लिए, व्हाट इज़ यूनिक फॉर मी। तो इसलिए आप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सरप्राइज फॉर यू बिजनेस इंक्वायरी। ये था सब्जेक्ट। अब हम ईमेल की बॉडी के ऊपर चलते हैं। ईमेल की बॉडी में देखें, ये टेम्पलेट मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सेम एज इट इज़ यही टेम्पलेट उठाकर अपने मुख्तलिफ डिफरेंट एडमिन्स को सेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिखा है, हेलो आई एम हाफिज अली, इज़ योर साइट ओपन फॉर द गेस्ट पोस्टिंग। इस तरह से ये लिखी लिखाई टेम्पलेट है। इसमें चेंजिंग क्या करनी है, जस्ट ये HTTPS की जगह यहाँ पर आपने वो साइट लिख देनी है जिस साइट के एडमिन से आप बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी सिस्टम सारा सेम है। ये मेथड PayPal का मैंने या Pioneer का लिखा हुआ है, और इसके अलावा हम बैकलिंक का भी काम करते हैं मुकम्मल ऑफ पेज SEO, इसलिए मैंने अपनी ईमेल के अंदर ये नोट में वो चीज़ भी मेंशन की। आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, अगर ना करना चाहें तो इस नोट वाले पोर्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। मैं पूरी टेम्पलेट अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब देखिए, ये बार्गिन करनी होती है आपने इसके साथ। मैंने इसको ये ईमेल की, इसने मुझे उसके बाद रिप्लाई किया कि $45 जनरल एंड $70 कैसीनो गैम्बलिंग पर पोस्ट। मतलब कि एडमिन ने बताया है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग लगवाने के $45 लेगा नॉर्मल पोस्ट के, और $70 लेगा गैम्बलिंग यानी कि जुए से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो साइट्स होती हैं, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके चार्ज वो ज़्यादा करते हैं। बेसिकली हम इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते, और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगा कि आपने इन चीज़ों पर काम नहीं करना। हक हलाल तरीके से आपने काम करना है, अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। तो ये देखें, उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया, मैंने उन्हें दोबारा मेल की, मैंने कहा नहीं, आपकी ये प्राइस ज़्यादा है, ये पूरी की पूरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आपने मेल कैसे करनी है और उसके बाद बारगेन कैसी करनी है। ये खैर, इनके साथ मेरी ये डील डन हो गई $35 में। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक दिन में आउटरीच कर रहे हैं 50 साइट्स या 100 साइट्स, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक ही जीमेल अकाउंट यूज़ करते हुए आपने बार बार सेम टेम्पलेट यूज़ करते हुए डिफरेंट साइट्स को ईमेल नहीं करनी। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी जो ईमेल होगी वो स्पैम में जाना शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट पर्सन के एडमिन के स्पैम में वो जाना शुरू हो जाएगी, और स्पैम को कोई ओपन नहीं करता। क्योंकि मेरे पास अगर कोई ईमेल आती है तो सबसे पहले मैं इनबॉक्स में देखता हूँ, इनबॉक्स में मैंने मेल देख के उसके बाद मैंने स्पैम में नहीं जाना होता। वेरी रेयर चांस दैट समबडी विल गो टू द स्पैम एंड विल चेक योर ईमेल। इंग्लिश नहीं आती तो आपने घबराना नहीं है कि मैंने ईमेल कैसे करनी है। आप मज़ीद टेम्पलेट के लिए हमसे रابطہ कर सकते हैं, कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं कि सर अगर आपके पास मज़ीद टेम्पलेट हैं तो काइंडली आप शेयर कर दीजिए। वैसे तो ये सारी की सारी टेम्पलेट मैं शेयर करूंगा, और इसके अलावा भी कोई क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपके लिए बैठी हुई है, आपके कमेंट का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।